कठिनाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और समय अच्छा नहीं है, बहुत पाप बढ़ गया है और बहुत अधर्म बढ़ गया है, बहुत प्रकार की समस्याएं बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, पैसों की कीमत ख़त्म हो रही है, आर्थिक अस्थिरता बहुत सारी है और अगर आप बाहर जाएं तो कठिनाई कठिनाई है, हर चीज़ में परेशानी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन ऐसे में हम प्रभु के लोग क्या करें? तो आज चार बातों को मैं के विषय में हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि कैसे प्रभु के लोगों ने दोहाई दी और प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। तो आज हम भी दोहाई देंगे प्रभु को और प्रभु छुड़ाएगा। उन वो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, पास्टर जी बताएंगे आपको कि इस विषय में प्रार्थना करो, इस विषय में प्रार्थना करो, इस विषय में प्रार्थना करो। कभी कोई बीमार है, कभी कोई परेशान है, कभी किसी का कोर्ट केस है, तो हम दोहाई दे रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ये चार जगहें जहाँ पर दोहाई दी गई और कैसे प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। विशेष रीति से हम आत्माओं के लिए दुहाई देंगे, प्रभु हमें आत्माएं दे, प्रभु तू हमें आत्माएं दे। ऐसे हमें पुकारना है, विगरस प्रेयर की है ये चेन मुहिम, ये चेन प्रेयर या ये साकली प्रार्थना, साकली आराम से धीरे धीरे सोते सोते करने वाली नहीं है, ये एकदम प्रभु के साथ जैसे विगरस प्रेयर, विगरस मतलब बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, जैसे कि एक बच्चा तड़पता है आइसक्रीम खाने के लिए। मेरे बच्चे छोटे थे और दुकान पे कुछ सामान देखेंगे तो सबसे छोटी मेरी सड़क पे लेट जाती थी, फैल जाती थी, मैं उसे संभालूं कि मैं क्या करूं, बिल्कुल नीचे लेट, जमीन पे लेट जाती थी। मेन रोड वहां स्कूटर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही, वो लेट जाएगी, मुझे दिलाओ वहां से, दिलाओ वो दिलाओ। वो उम्र थी उस समय उसकी, क्यों ऐसा कर रही थी? नहीं, वो एडमेंट थी पूरी तरह कि उसे चाहिए चाहिए। आज वही स्थिति हमारी होनी चाहिए, हमें प्रभु आत्माएं चाहिए, हमें आत्माएं चाहिए। तो आइए हम आज चार बातें देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने कैसे पहली बात इसराइलियों ने दुहाई दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसराइली लोग 400 साल से मिस्रियों के अधीनता में थे, गुलामी में थे और मिस्री राजा, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन उसका पहले अध्याय से आप घर में जाके पढ़ना शुरू करिएगा, घर में जाके इस निर्गमन की पुस्तक को पढ़ना शुरू करिएगा, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से दूसरा राजा आता है और वो मिस्र का फिरौन, और वो जानता नहीं था इस यूसुफ को और इसके सारे लोगों को जो गोशेन में बसे थे, तो वो कहता है इनके ऊपर बहुत कड़ी, इनको सेवा लो, इनसे इनसे शहर बनवाओ और इनको इतना मारो पीटो, इनको इनको ताबे में रखो ताकि ये हमारे प्रबल हो के हमारे पर हमसे युद्ध ना करने लगे। आप पढ़ेंगे आप इसे, लेकिन अभी मैं देखती, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मिस्री लोग जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने दोहाई दी। मैं पढ़ रही हूँ 23:24-25 निर्गमन 2 अध्याय। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, वो राजा जो यूसुफ को जानता था मर गया, और इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया, बोली वो दोहाई परमेश्वर तक पहुंची। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो ऐसी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सुने, यू मीन बिजनेस, प्रभु के साथ ऐसी प्रार्थना करना है कि प्रभु सुने। ये नहीं कि हाँ प्रभु तू कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा वाला नहीं। आंसुओं के साथ तीव्र प्रार्थना हमें करना है, और वैसे ही वो दुहाई करने लगे। उनको बहुत मारा जा रहा था, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, उनको बहुत विकट समस्या थी, बहुत परेशानी के हाल में थे, और ऐसे में वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए। अब उनको पता था छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। आज आपके घर में कठिनाइयां हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर है। आज हमारे मणिपुर में और हमारे हर जगह पे सताव हो रहा है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और 24 वचन कहता है परमेश्वर ने उनका कहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाएंगे। Amen. जब हम प्रार्थना करते हैं ना वो सुनता है। आज संपूर्ण भारत प्रार्थना करता तो है लेकिन सुनता कौन है?
आज लोग मंत्रियों के सामने प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, आज लोग बड़े बड़े अफसर के सामने प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनाई होती है कोई नहीं। फाइलों पे फाइलें, फाइलें पे फाइलें, चट्टे जमे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वाचा को स्मरण करता है, वो सुनता है। 25 वचन, और परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब हम इस चेन प्रेयर की मुहिम में अपने आप को सौंप देंगे ना पूरे पूरे बल के साथ, तो प्रभु हमें ब्रेक थ्रू देगा। हमें जीवन नगर कैलवरी चर्च के लिए हमें एक फैसिलिटी चाहिए, एक चर्च कैंपस चाहिए। हमें अपने साउथ एक्स चर्च के लिए एक चर्च कैंपस चाहिए। हमें अपने जीवन, हमें सारी कुर्सियां भरने के लिए आत्माएं चाहिए। हम इतनी आत्माओं से खुश नहीं है। आप खुश हो? नहीं खुश है। हमें लाखों में जाना है, लेकिन उससे पहले हजारों में जाना है। हालेलुया। जिस चर्च से हम आए हैं वो 40,000 का चर्च है। आज मेरा मन, पास्टर जी का मन वही है। क्या सुंदर, क्योंकि हम देख कर आए हैं उस चर्च को, और मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैं फोटोज लेकर आए हैं, हम एक नए दर्शन के साथ लौटे हैं। प्रभु ऐसे ही चर्च तू यहाँ दे। हालेलुया। और कलवरी चर्च को दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगली बात, तो किसने दुहाई दी? इज़राइलियों ने दुहाई दी। और परमेश्वर ने सुनी, सुनी, तभी तो मूसा भेजा गया, तभी तो लाल समुंदर धुमंग हुआ, तभी तो परमेश्वर ने लोगों को वहां से निकाला। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, योना उसका पहला अध्याय 4-6 तक। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। ये जहाज क्यों टूट रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने योना को कहा था नीनवे जा और प्रचार कर, लेकिन योना डर रहा था कि नीनवे वाले मुझे मार डालेंगे, वो सुनेंगे नहीं, बड़े खराब लोग हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, प्रभु तू मुझे कहां भेज रहा है, मैं तर्शीश चला जाता हूं। और योना ने जहाज का टिकट, कौन से जहाज का टिकट ले लिया? तर्शीश। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, तर्शीश जाओ। जाने दिया क्या? रोका परमेश्वर ने। कैसे रोका? समुद्र में बड़ी आंधी लाकर। आज आंधी कैसे आती है? परमेश्वर की ओर से। और रुकती भी कैसे है? परमेश्वर की ओर से। जब यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा, तो वो समुद्र का शिप, वो आंधी शांत हो गई नए नियम में। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि प्रचंड आंधी परमेश्वर यहोवा ने समुद्र में चलाई। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। लोग अपने अपने तरीके से सारी कोशिशें कर रहे हैं, जैसे ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जहाज ठीक हो जाए, ना आंधी में ना डूबे, सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें व्यर्थ होती हैं। आज हमारे देश में भी सब लोग कोशिशें कर रहे हैं, शांति व्याप्त हो जाए, दंगे फसाद ना हो, और ये ना हो, वो ना हो, और अमन शांति आ जाए, और कहते हैं महंगाई खत्म हो जाए, और GST बढ़ती चली जा रही है, और ये और वो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सब लोग अपनी तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मां जी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? आज विश्वासी लोग भी हैं जो सो रहे हैं। विश्वासी लोगों उठो। योना सो रहा था, आंधी आ रही थी, लोग डूबे जा रहे हैं। आज भी लोग डूब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। विश्वासियों मत सो, उठ जाओ। कैसे उठेंगे? हम कहेंगे नहीं, हम तो जगे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम तो जगे हैं, हम तो अभी अभी घूम कर आए, शॉपिंग करके आए, हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जगे हैं। नहीं, प्रभु की तरह, प्रभु जब आपको देखता है, जब आप प्रार्थना में, तीव्र प्रार्थना में होते हो, तभी प्रभु के हिसाब से जगे हो। अगर आप अपना काम करते रहे हो तो आपके परमेश्वर के हिसाब से आप सो रहे हैं। परमेश्वर की नजरों में आपका जगना व्यर्थ है। आप जब तीव्र प्रार्थना में है तभी जगे हैं प्रभु की नजर में। हालेलुया। क्योंकि उस समय आप परमेश्वर के राज के बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, V4 एंड नो मोर। बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना है, V4 नो मोर, मतलब मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, बस हम चार और कोई नहीं।
मुझे दे मुझे दे मुझे दे, हमारी जॉब दे, हमारी ये कर दे, हमारे वो कर दे, हमारी ये कर दे, हमें जॉब बिजनेस चले, हमारा ये चले, हमारा वो चले, हमें खाने को मिले, हमें कपड़े मिले, हमें ये, हमें घर मिले, हमें खाना वगैरह, खत्म। ये प्रार्थना नहीं कह रहे हम कह रहे हैं परमेश्वर के राज को बढ़ाने की प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती में कहता है 6:33 में, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। क्या क्या आपके मन में मनोरथ है सब मिलेगा, प्रभु वादा करता है, लेकिन पहले उसके धर्म और राज की खोज करना है। और आखिरी हम देखते हैं यहाँ पे योना 2:1-2 पढ़ रही हूँ, तब योना ने उसके पेट में मछली में डाल दिया, प्रभु ने उसको परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, अधरों के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। जब योना को फेंक दिया गया जहाज से, तब शांत हो गया समुद्र का तूफान, और जब शांत हो गया तब जाके योना तो मछली के पेट में, और वहां से वो दुआ कर रहा है। और ये असली में हुआ है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रही मैं, वो सच में ब्लू वेल की पेट में गया और ऐसे उसके बीच में वो प्रार्थना कर रहा है, वो जिंदा रहा, मरा नहीं, और वहां से परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। तो अगर योना की परमेश्वर सुन सकता है, मेरा टाइम खत्म हो गया, 2 ही पॉइंट मैं बता पाई हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इस 2 पॉइंट से ही हम समझ लें कि हमें क्या करना है। हमें बोलो, हमें तीव्र प्रार्थना करना है। इस 1 घंटे में हमें बहुत सारे आंसू बहाने हैं, हमें परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करनी है, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के प्रार्थना करनी है, हमें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के दुहाई देके प्रार्थना करनी है। हाँ, तभी प्रार्थना प्रार्थना है। अगर आप अपने एक कोने में मुंह बंद करके बैठ जाओगे ना कि हाँ मैं तो दुआ कर रहा हूं, ये दुआ नहीं होती। टू टेल यू फ्रैंकली, क्लोज्ड माउथ इज अ क्लोज्ड डेस्टिनी। बोलो मेरे पीछे, अ क्लोज्ड माउथ, अ क्लोज्ड माउथ इज अ क्लोज्ड डेस्टिनी। इसका मतलब हम क्या है, अगर आपका मुंह बंद है आराधना में और प्रार्थना में, तो आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आपका मुकाम भी बंद है, वो सारे द्वार भी बंद है जहां प्रभु आपको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। अपने बिजनेस में फ्लरिश करना चाहते हो तो जोर जोर से दुआ करो। आप अपने काम में फ्लरिश होना चाहते हो, जोर जोर से दुआ करो, आंसू बहाओ। ये दुहाई है ना, ये 1 घंटा जो हम आपसे मांग रहे हैं ना, ये एक कहते हैं बहुत ही सॉलिड प्रेयर का घंटा मांग रहे हैं। सॉलिड प्रेयर मतलब एक क्या कहेंगे उसे, बहुत ही ज्यादा विशेष मध्यस्थता की प्रार्थना। हालेलुया। यस, एक बहुत ही ज्यादा विशेष प्रार्थना का ये घंटा है। द बेस्ट दैट यू कैन गिव, जो आप बेस्ट दे सकते हो। हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से हर एक जन एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। जिनको प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना सीख जाएंगे आप। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, इसी 1 घंटे में आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप अनंत भाषा से भर जाएंगे। आप प्रभु प्यार करेगा आपको, जैसे एक बाप बेटी को, बेटे को, बेटी को गले लगाता है, वैसा परमेश्वर आपको गले लगाएगा जब आप उसके राज के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना समर्पण हम इस चेन प्रेयर के लिए देंगे, क्योंकि प्रभु हमें अब इस्तेमाल कर रहा है, अब शुरुआत हो चुकी है। आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, फिर आप प्रभु के साथ प्रभु को लोगों को बांटेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, और जब प्रचार के लिए जाएंगे तो वो अभिषेक से भर कर आप जाएंगे और वो अभिषेक और बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खड़े हो जाए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हर एक जन प्रभु से बात करे, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, अपना जीवन मैं आपको देती हूँ इस महान कार्य के लिए। ये स्वर्ग में रिकॉर्ड होने वाला समय ठहरेगा,
जैसे दानियल का रिकॉर्ड हुआ कि वो दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता था। हालेलुया, जैसे रिकॉर्ड हुआ दाऊद के लिए कि वो प्रार्थना करता था, वो चरवाहा था लेकिन वो वीणा बजा के गीत गाता था। ओ हालेलुया हालेलुया, जैसे रिकॉर्ड हुआ हालेलुया, ओ वो 7 बार आराधना करता था, ऐसे ही रिकॉर्ड होएगा आपके लिए कि वो अपना 1 घंटा सिर्फ परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करते थे। बाकी का 1 घंटा 40 मिनट आप अपने लिए दुआ करिए, अपने परिवार के लिए दुआ करिए, अपने काम के लिए दुआ करिए, आप जिस मर्जी की बात के लिए दुआ करिए, लेकिन ये वाला 1 घंटा परमेश्वर के निकट बहुत विशेष है। हालेलुया हालेलुया, इससे आप कलीसिया से और जुड़ेंगे, आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी, आपके अंदर के जीवन के सारे कमियां घटियां प्रभु दूर करेगा, निंदा करने वाली आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा, ओ टाइम वेस्ट करने वाली आत्मा दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें परमेश्वर धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आज हम तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु तू हमें अपने लिए नियुक्त कर रहा है। आज नियुक्ति का दिन है प्रभु जी, और आज हम एक प्रार्थना वीर के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु ये एक महान कॉलिंग है, इट्स अ हेवनली कॉलिंग ओ लॉर्ड, इट्स अ हेवनली कॉलिंग प्रभु, ये स्वर्गीय बुलाहट है प्रभु जी, और आज हम अपने अपने आप को इस स्वर्गीय बुलाहट के लिए तुझे दे देते हैं प्रभु जी, आंसू बहाने के लिए, दुहाइयां देने के लिए प्रभु। जो काम हम नहीं कर सकते वो तू करेगा प्रभु, जो काम हम नहीं कर सकते वो तू करेगा प्रभु। प्रभु कलीसिया के भाई बहनों की दुहाइयां तू सुनेगा प्रभु, कलवरी कलीसिया की दुहाई तू सुनेगा प्रभु, और तू वो बड़े बड़े काम करेगा प्रभु, जो आंखों ने कभी देखा नहीं, जो कानों ने कभी सुना नहीं, और जो बात किसी के चित्त में आई नहीं, वो बड़े बड़े काम तू करने वाला है राजाओं के राजा। आज हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तुम्हारी कलवरी कलीसिया के हर एक भाई बहन को बलवंत मसीह बना प्रभु, बेदाग बेझुर्री कलीसिया बना प्रभु जी, हम दागी ना रहे, हम पापी ना रहे, हे राजाओं के राजा यीशु, हम अपना समर्पण तुझे करते हैं प्रभु, एक पवित्र प्रजा होने के लिए। ओ खारा बाला ही शंगारा खारा बारा बा प्रभु, जैसे हम अब तो अपना दुहाई का समय हमने इन पर्चों पे लिखा है प्रभु, वो स्वर्ग में रिकॉर्ड हुआ है प्यारे यीशु, वो स्वर्ग में रिकॉर्ड हुआ है प्यारे यीशु। हमें विश्वास योग बना, तेरे प्रति विश्वास योग बना, तेरी सेवा के प्रति विश्वास योग बना, तेरे राज के प्रति विश्वास योग बना प्रभु। जब हम स्वर्ग में जाएं तो हमारी प्रभु जी बहुत सारी आत्माओं को हम तेरे साथ ले जाएं प्रभु जी। बारा बादशा काला बारा 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 बा अनुग्रह दे प्रभु, आशीष दे, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक भाई बहन को एक सबल और एक दृढ़ विश्वासी बना के खड़ा कर दे। दया कर दया कर दया कर, यीशु के नाम से मांगते सुन दे ऐसे कबूल कर पिता, आमेन आमेन हालेलुया।